किशनगंज थाने पर दर्ज प्रकरण संख्या 276/24 में नाबालिग से दुष्कर्म के चार और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व में दो आरोपी गिरफ्तार, एक विधि से संघर्षरत बालक को किया गया निरुद्ध। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस थाना किशनगंज अजमेर पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दर्ज प्रकरण में त्वरित कार्रवाई व प्रकरण में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तथा प्रकरण में अतिशीघ्र अनुसंधान पूर्ण करने हेतु महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर श्रीमती लता मनोज कुमार द्वारा निर्देशित कर अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के पर्यवेक्षण में विशेष अनुसंधान टीम SIT का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व मुख्यालय दुर्ग सिंह राजपुरोहित, उप अधीक्षक पुलिस व्रत उत्तर अजमेर रुद्र प्रकाश शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस SIT नेमीचंद चौधरी, अरविंद सिंह चारण थानाधिकारी किशनगंज, श्याम सिंह थाना प्रभारी अल्बरगेट, दिनेश चौधरी थाना प्रभारी क्लाक टावर, रविंद्र सिंह खींची थाना प्रभारी रामगंज सहित कुल 12 सदस्यों की विशेष अनुसंधान टीम SIT में शामिल कर गठित की गई। पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्र में रहने वाले परिवादी द्वारा दिनांक 30 मई को पुलिस थाना किशनगंज पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई कि मेरी नाबालिग पुत्री जो कि अजमेर के ही एक निजी स्कूल की छात्रा है, जिसके साथ अन्य सहपाठी भी हैं, जिन्होंने मिलकर मेरी पुत्री को टाइम पास के लिए कुछ युवकों को इंस्टाग्राम ID दे दी, जिन्होंने मेरी पुत्री से चैट करके उसे प्रेम जाल में फंसा लिया तथा मेरी पुत्री से उसकी ID तथा उसका पासवर्ड भी ले लिया और उसका दुरुपयोग कर अन्य लड़कियों को अनर्गल अश्लील मैसेज भी भेज दिए। उक्त सभी मैसेज इरफान नाम के युवक ने अपने मोबाइल में सेव कर लिए और उक्त मैसेज दिखाकर मेरी पुत्री को डरा धमकाकर उससे रुपयों की मांग करने लगा और मेरी पुत्रियों से रुपये प्राप्त करने लगा। कुछ समय बाद मेरी पुत्री को धमकाया कि तुझे मेरे दोस्तों से भी चैट करनी पड़ेगी। इस प्रकार मेरी पुत्री के साथ इरफान तथा उसके दोस्तों ने दुष्कर्म व अश्लील हरकतें भी की तथा रुपये भी प्राप्त किए। आधी रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगंज अजमेर पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। इसमें पूर्व में दिनांक 1 जून को मुख्य आरोपी इरफान सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया व एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया। आरोपी इरफान व अरबाज के मोबाइल फोन जब्त किए गए, FSL भिजवाए गए। आरोपी इरफान व अरबाज की प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान व पूछताछ हेतु 2 दिवस का पुलिस रिमांड लिया गया। प्रकरण में गठित SIT द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता व आसूचना मुखबिर सूचना से प्रकरण में अन्य 4 आरोपियों को DST व थाना स्तर द्वारा दिनांक 3 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में असलम खान पुत्र गुलाब काठात, उम्र 19 साल, जाति काठात, निवासी सारणिया, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर, हाल मदरसा रोड रातीडांग अजमेर। दूसरा मुबारक खान पुत्र इकबाल खान, उम्र 19 साल, जाति चीता, निवासी मस्जिद के पास रातीडांग अजमेर। तीसरा रज्जाक खान पुत्र राजू काठात, उम्र 19 साल, जाति काठात, निवासी ब्यावर नाड़ी, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर, हाल पीर बाबा की डांग के पास रात्रिडांग अजमेर। चौथा इमरान खान पुत्र भंवर खान, उम्र 19 साल, निवासी अरका मस्जिद के पीछे रात्रिडांग अजमेर शामिल है। उपरोक्त प्रकरण में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, वे एक विधि से संघर्ष बालक को निरुद्ध किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। आरोपियों से दौरान अनुसंधान पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गैंग बनाकर विभिन्न इंस्टाग्राम आईडी से अनेक लड़कियों को मैसेज करके अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, जिनमें से जो लड़कियां इनके प्रेम जाल में फंस जाती है, विशेषकर नाबालिग लड़कियां जो स्कूल व कोचिंग सेंटर में पढ़ती है, जिनसे गैंग के सदस्य धोखे से दोस्ती कर उनसे अश्लील फोटो वीडियो चैट द्वारा ब्लैकमेल कर संबंध बनाते हैं, बाद में इनसे पैसे ऐंठते हैं। वे सभी आरोपी बाद में इन रुपयों से मौज मस्ती कर महंगे शौक पूरे करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, जो ये घटना घटित हुई, इसकी FIR 30 तारीख को हमारे पास सूचना आई। सूचना आने पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए जो 3 आरोपी थे मुख्य, उनको तुरंत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर जिनमें 2 बालिग थे, 1 नाबालिग था, उनसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ और इस घटनाक्रम को देखते हुए श्रीमान IGP मैम के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, जिसमें 12 अधिकारी शामिल हैं, जिसमें 2 एडिशनल SP सुपरविजन के तौर पर मेरे नीचे, एडिशनल SP सिटी एंड एडिशनल SP सिकाऊ, वे CO नॉर्थ, उसमें मेन IU हैं, वे CO सिकाऊ, वे उसके साथ लोकल SHOs, साइबर एक्सपर्ट एंड हमारे जो DST के कुछ मेंबर उसके टीम के सदस्य हैं। जो मोबाइल इनसे मिले, उन मोबाइल को हमने FSL
भेजा ताकि उसमें कोई अगर चैट डिलीट हुई है या कोई और कोई गैलरी में कुछ डिलीट हुआ है तो उसको हम उनकी मदद से अगर रिट्रीव होती है तो रिट्रीव करने की फाइल्स को कोशिश करें ताकि कोई और इस मामले में कोई नया पहलू आता हो तो उसको हम देख सकें। एसआईटी के गठन के बाद जो है उस टीम ने काम शुरू किया और इस घटना में जो अन्य चार अभियुक्त थे असलम, रजाक, इमरान व मुबारक, इनकी मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ। असलम खान पुत्र गुलाब कटात, उम्र 19 साल, सारणिया, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर, हाल मदरसा रोड, रातीडांग, अजमेर। मुबारक खान पुत्र इकबाल खान, उम्र 19 साल, जाति चीता, मस्जिद के पास, रातीडांग, अजमेर। रजा खान पुत्र स्वर्गीय राजू कटात, 19 साल, ब्यावर नाड़ी, तहसील मसूदा, हाल पीर बाबा की डांग के पास, रातीडांग, अजमेर। और चौथा इमरान खान पुत्र भोमा खान, उम्र 19 साल, अस्का मस्जिद के पीछे, रातीडांग, अजमेर। इन चारों को पूछताछ कर इनको जो है इस घटना में गिरफ्तार किया गया है। जो मोडस ऑपरेंडी जो मोटे मोटे तौर पर समझ में आई कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है इनके द्वारा किया जा रहा है, ख़ासतौर से जो आजकल के बच्चों का जो एक फैशन है इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, तो ये इंस्टा पर एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं, खुद का मोबाइल नहीं है तो साथी का मोबाइल लेकर उसमें अपनी आईडी से इंस्टा चलाते हैं और रैंडमली जो भी लड़कियां उसमें दिखती हैं उनको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ इनको रिजेक्ट कर देती हैं, कुछ ब्लॉक मार देती हैं, कुछ इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिनसे रैंडमली फिशिंग करते हैं ये। और उसके बाद जो बच्चियाँ इनके उसमें फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके, उसको अपने जाल में फंसा कर फिर उसे जो है फेवर्स लेते हैं और फेवर्स में जो है फिर पैसा और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी इनके द्वारा किया जाता रहा है, जैसा कि पूर्व में आपको विदित है। और ये चारों भी उस घटना में कहीं ना कहीं शरीक रहे हैं कॉन्स्पिरेसी में, जब पैसे लाना, लेके जाना, उसके साथ बाहर खड़े रहना, इसलिए इनका भी उतना ही जुर्म बनता है जितना मुख्य अभियुक्तों का बनता है। तो मेरा तो इस घटनाक्रम को देखने के बाद जिला एसपी होने की हैसियत से, एक फादर फिगर होने की हैसियत से तमाम पब्लिक से अपील है कि सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव हैं इसको आप समय रहते चेक चाहिए। आपकी जो बच्चियां नाबालिग हैं, अबोध हैं, उनको अभी दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, आप उनसे जो है दोस्ती करें, उनको जो है समझाएं, उनको काउंसलिंग करें। और सोशल मीडिया से मेरा ये मानना है पढ़ने वाले बच्चे का ज़्यादा वास्ता ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि पढ़ाई करने की उम्र है, उस पढ़ाई में सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डेविएट भी करती हैं और इस तरह के जाल में, क्योंकि वो घर में बातें शेयर होती नहीं हैं, बच्चियाँ जो है नाबालिग हैं, घबराती हैं, तो इस आगे से आगे जाल में फंसती चली जाती हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी और अपनी इस तरह जो चाहे बच्चा हो जो बच्ची हो उनको जो है प्रॉपर काउंसलिंग करें, प्रॉपर मार्गदर्शन दें और सोशल मीडिया के जो दुष्परिणाम हैं उस दुष्परिणाम के बारे में उनको अवगत कराएं। बच्चे समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको यदि आप समझाएं तो जल्दी समझते हैं, बट उनको ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में बताने की क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये मुझे इस घटनाक्रम से कुल जो है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, जो भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो सोशल मीडिया में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इनक्रिप्टेड मैसेजेस आदान प्रदान होते हैं, ऐसी जो भी तमाम सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बहुत सावधानी रखें और अनजान लोगों से जो है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मेरा ये निवेदन है। ये मोटे मोटे तौर पर जो आज की घटनाक्रम है मैंने आपको ब्रीफ किया। इनकी मेन भूमिका रूप से कभी पैसे लेने भी गए हैं, कभी वो जैसे पैसे खुद लेने गया है या जो सेक्सुअल एक्ट करने उसने जैसा बताया बयानों में है,
तो ये बाहर खड़े रहकर उसकी निगरानी भी करते थे, तो कहीं ना कहीं सहयोगी तो उसके रहे हैं। सर जिस तरह से सामने आया कि अरबाज फोटोग्राफी भी कर रहा था, तो क्या ये कहीं और दूसरी जगह भी कर रहा है, इस पे भी पुलिस जांच? इस बारे में हमने विचार किया, पूछताछ की, और उस पूछताछ में जो फोटोग्राफी का जो हमें आजकल लेटेस्ट पता लगा, कोई लैब नहीं है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा इसके पास जो जैसे लैब में सामान होता है। पहले पुराने ज़माने में तो फिल्म्स की फिल्म्स हुआ करती थी, ये आजकल इंस्टा वाले जो हैं ये मौके पे खड़े रहते हैं, वहाँ जो ग्राहक आते हैं उनकी फ़ोटो खींचते हैं और पेन ड्राइव के माध्यम से जो है आपके मोबाइल में वाईफाई के माध्यम से उस फ़ोटो को आपको प्रेषित कर देते हैं, और जितनी फ़ोटो खींचते हैं उसके पैसे हाथों ले लेते हैं। तो ये अभी तक तो मौके तौर पर यही है कि क्योंकि इंस्टा एक जो अपना सेवन वंडर्स जो बना है, सेवन वंडर्स पर पर्यटक खूब आते हैं देखने के लिए, तो फैमिली के साथ भी आते हैं, यूथ जो है अपने दोस्तों के साथ भी आते हैं, लड़कियां भी अपनी सहेलियों के साथ आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक कारण तो बनता है कि फ़ोटोग्राफी के माध्यम से आपसे किसी से दोस्ती हो जाती है, फ़ोटो का आदान प्रदान होता है, मोबाइल के नंबर किसी न किसी रूप से होते हैं आप, तो एक अनजान व्यक्ति से आपकी अनावश्यक जान पहचान बढ़ती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बाद में दुख का कारण सबब बन सकता है। सर अब तक कितनी पीड़िता सामने आई है? अभी तक एक के अलावा कोई पीड़िता नहीं आई है, क्योंकि अब संपर्क तो देखो ऐसा है, आप किसी की इंस्टा आईडी उठा के देख लो, उसमें आपको 100 अगर दोस्ती की हुई तो 50 लेडीज से मिल जाएगी, उनको हमने देखा भी है, लेकिन ऐसा हमें कहीं आपत्तिजनक कोई चीज़ कई जगह नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि आपको मैं बताऊं, दूसरी बच्ची का नाम आया था, नाबालिग है, छोटी है, हमने जो है उनके पेरेंट्स से पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो छुट्टियों में बाहर गई हुई है। तो हमारी विडंबना ये है कि जब तक कोई कंप्लेनेंट हमारे पास ना आए तो चलाकर कई चीज़ें हम नहीं कर पा सकते। कोई कंप्लेनेंट आएगा हमारे पास, हम बिल्कुल उसमें जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं। पीड़िता ने जिससे पीड़िता की जिसने दोस्ती करवाई, क्या कहीं वो या किसी तरह से ब्लैकमेलिंग का? वो मैंने आपको बताया ना, वो पेरेंट्स के साथ बाहर गई हुई है या है ही नहीं। तो जो अब तक हमारी अगर होता तो हम हमारे महिला कांस्टेबल को, महिला एसएचओ को भेज के उससे पता करवाते कि उसके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि अब किसी तरह की उससे बातचीत नहीं हो पाई तो हम इस बारे में कोई कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए अभी तक ऐसी मेरे सामने कोई बात आई नहीं कि जो कोई किसी तरह से कोई एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई गैंग जैसे ऑपरेट होती है वैसा कोई। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरी पूर्व में भी बहुत बड़ी धारणा रही है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, इसका दुरुपयोग समाज को बड़ा प्रभावित कर रहा है, समाज को बड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है, यूथ को जो है पटरी से उतार रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे को पेरेंटल कंट्रोल करके इसको जो है चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है अभी तक, कोई ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। सर इन चारों की प्रोफाइल क्या करते हैं, इनको कोई स्टूडेंट वगैरह तो नहीं है? 19 साल की उम्र है, सब लेबर क्लास हैं, कोई ना कोई पहले जो एक खाती काम कर रहा है, एक फोटोग्राफी काम कर रहा है, कोई कहीं कोई बहुत ज़्यादा कहीं जॉब कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैनुअल लेबर करने वाले लोग हैं, ये खाली टाइम में अपनी जो है ये टाइम पास करने के लिए, मस्ती मारने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। सर